थ्योरीज ऑफ स्लीप, कई थ्योरीज निकली हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि हाँ यही है, ठीक है। पहली थ्योरी जो है हमारी, कि जो स्लीप है वो एक्टिव इनहिबिटरी प्रोसेस से निकली है, कि हमें इनहिबिट करना पड़ता है। इसका क्या मतलब है? हम मानते थे कि हमारे ब्रेन स्टेम है ना, हमें हमारा जो जैसे पॉन्स मेडुला और ये जो ब्रेन स्टेम है हमारा, तो यहाँ पे रेटिकुलर एरिया है, रेटिकुलर एरिया, ये जो रेटिकुलर एरिया है कहाँ पे है? अपर ब्रेन स्टेम में। कौन से? अपर ब्रेन स्टेम में है, सिर्फ ऊपर ऊपर वाले ब्रेन स्टेम में, ऊपर वाले ब्रेन स्टेम में रेटिकुलर एरिया है। उसमें क्या होता है कि जब ये एक्साइटेड होता है ना, तब हम लोग तो हम लोग वेक रहते हैं पूरा दिन, ये एक्साइटेड रहता है, काम करवाता है, सब काम होता है। लेकिन हम कहते हैं कि रात के टाइम पे क्या होता है कि ये जो एरिया है इसके, ये न्यूरॉन्स जो हैं इसके, वो फटीग हो जाते हैं, फटीग हो जाते हैं। अब जैसे फटीग होंगे तो फिर ये लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक्साइटेटरी एरिया जो हैं अपर ब्रेन स्टेम के, ये क्या करते हैं, ये फटीग हो जाते हैं पूरे दिन में और फिर रात को इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसको हम लोग नहीं मानते, क्यों? कि जो स्लीप है वो इनहिबिटरी प्रोसेस है, हम ये मानते हैं। बिकॉज़ क्या हुआ था कि हमने ये जो ब्रेन स्टेम है इसको हमने यहाँ से काट दिया, मतलब कि अपर, मतलब पूरी ब्रेन स्टेम जो है वो हमने काट दी मिड पॉइंट से, तो ब्रेन कॉर्टेक्स जो है वो दैट नेवर गोज़ टू स्लीप। मतलब कि अगर हम यहाँ से कट कर देते, हम पहले क्या कह रहे थे कि रेटिकुलर एरिया जब वो नहीं काम करेगा, जब वो एक्साइटेड नहीं होगा तब हम सो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब हमने यहाँ मिड, ये वाले लेवल पे, मान लो ये मेडुला, ये पॉन्स है, यहाँ पे हमने काटा, यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन किया, तो क्या हुआ कि स्लीप ही नहीं मिली हमें, हम सो ही नहीं पाए। उसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि रेटिकुलर एरिया के इनएक्टिव होने से हमें स्लीप मिल जाएगी। इसका मतलब हमने ये निकाला कि मिड पॉन्टाइन लेवल के नीचे वाले एरिया में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हमें स्लीप आती है। अब वो क्या है वो हम पढ़ते हैं। सबसे एक जो मेन हमें मिला, जो हमने देखा, तो वो था कि लोअर हाफ ऑफ द पॉन्स, लोअर हाफ ऑफ द पॉन्स में और मेडुला में, मतलब लोअर पॉन्स और मेडुला में हमें क्या मिला, लोअर पॉन्स और मेडुला में एक राफे न्यूक्लियस। राफे न्यूक्लियस हमने पढ़ा हुआ है न्यूरोनेटिंग में, तो राफे न्यूक्लियस हमें मिला। अब ये जो राफे न्यूक्लियस है, इसके जो नर्व एंडिंग्स है ना, ये क्या सिक्रीट करवाती हैं, ये सिक्रीट करवाती हैं सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन हमें पता है कि हमें ये आराम देता है, हमें ये स्लीप देता है, ठीक है। अब कुछ एरियाज हैं, सेकेंड हमने देखा न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ये भी है। ये कहाँ पे है? ये है मेडुला और पॉन्स में, ठीक है, मेडुला और पॉन्स दोनों, सब कुछ ही मेडुला और पॉन्स में है। तो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस ये भी है वहाँ पे। और ये इससे, इसको किसके सिग्नल्स मिलते हैं? इसको वेगस नर्व के मिलते हैं और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ एरियाज इस न्यूक्लियस के भी हैं जिसको स्टिमुलेट करने पे हमें स्लीप मिलती है। ऑलराइट, तो अगर ये जो राफे न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें अगर कोई लीजन आ जाती है तो क्या होगा कि हाई स्टेट ऑफ वेकफुलनेस, मतलब हम लोग पूरा वेकन रहेंगे, हाई स्टेट ऑफ वेकफुलनेस। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स में क्या हुआ है कि कुछ लोगों को क्या हुआ कि उसको, उनको अवेक रखा, ठीक है, उनको सोने नहीं दिया कुछ दिनों तक, ठीक है, सेवरल डेज हमने उनको सोने नहीं दिया। तो उनके CSF ब्लड या यूरिन में क्या होगा कि कुछ ऐसा सब्सटेंस हम देखेंगे जो अगर हम लोग किसी और एनिमल के अंदर डालेंगे, ठीक है, ये CSF ब्लड यूरिन जो है वो एनिमल्स का है, कुछ एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट हुए थे, ह्यूमंस पे नहीं होते, एनिमल्स पे हुए थे, तो उनको अवेक रखा था, ठीक है। तो उनके यहाँ इसमें से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस निकले, तो अगर वो हम लोग किसी के अंदर डालेंगे, किसी और एनिमल्स के अंदर, तो वो स्लीप प्रोड्यूस करेंगे, तो वो स्लीप वाले साइकिल में चले जाएंगे, दे विल इमिडिएटली गो टू द स्लीप। अब वो कौन सा एक सब्सटेंस है, दैट इज़ अ पेप्टाइड, दैट इज़ म्यूरामाइल पेप्टाइड, म्यूरामाइल, ओके, दैट इज अ म्यूरामाइल पेप्टाइड, ठीक है। तो NREM है, REM में कैसे कन्वर्ट होती है इतना नहीं हमें पता कि ये साइकिल एकदम से चलते चलते क्यों डिस्टर्ब हो जाता है, क्यों REM आ जाती है पीरियोडिकली। पर हमने ये देखा कि हमने जब उनको ड्रग्स दी जो मिमिक करती थी एसिटाइल कोलिन को, और एसिटाइल कोलिन हमें पता है वो एक स्टिमुलेशन वाला न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, एक होता है इनहिबिटरी, एक होता है स्टिमुलेटरी, तो ये स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन। तो हमने क्या किया, वो ड्रग्स दी जो एसिटाइल कोलिन के जैसे थी, मतलब मिमिक करती थी, तो क्या हुआ कि उन ड्रग्स के लेने के बाद REM स्लीप जो है उसकी रीअकरेंस ज़्यादा हो गई, मतलब इंसान में REM ज़्यादा हो गया। तो फिर ऐसा पोस्टुलेट किया जाता है कि एसिटाइल कोलिन के जो ये वाले एसिटाइल कोलिन के न्यूरॉन्स हैं अपर ब्रेन स्टेम में, वो बनते रहते हैं और फिर वो REM को करते रहते हैं, ठीक है। और एक्सिन
जो कि हाइपोक्रेटिन बोलते हैं हम लोग, ये हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। ये क्या करता है, ये एक्साइटेटरी सिग्नल देता है। एक्साइटेटरी सिग्नल्स कहाँ देता है, वहाँ पे जहाँ पे ऑब्वियसली ऑरेक्सिन के रिसेप्टर्स होंगे। हर जगह नहीं देता, जहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे स्पेसिफिकली वहाँ पे वो एक्साइटेटरी इनपुट देगा। ठीक है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं जब इंसान जगा हुआ होता है, दैट इज़ जब वेकनेस होती है, तब वो ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं और ये स्टॉप कर देते हैं अपने फंक्शन को। दे विल स्टॉप फायरिंग कब, जब हमारे पास स्लो वेव या फिर REM स्लीप आएगी। बेसिकली कोई भी स्लीप आए, चाहे REM आए चाहे NREM आए, ये अपना काम बंद कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लॉस ऑफ ऑरेक्सिन सिग्नल्स, अगर इसका सिग्नल हमें ना मिले, लॉस ऑफ ऑरेक्सिन सिग्नल कोई भी बात है कि ऑरेक्सिन प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा हाइपोथैलेमस से, या फिर ऑरेक्सिन के रिसेप्टर्स नहीं काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑरेक्सिन और नार्कोलेप्सी। इट विल कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑरेक्सिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स, कॉजेज नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी क्यों, नार्कोलेप्सी क्या होता है, ये एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, आपको डे टाइम में भी ड्राउजीनेस फील होगा और एकदम से इंसान क्या होगा कि वो किसी से बात कर रहा होगा या अपना काम कर रहा होगा, बोलते बोलते काम करते करते पढ़ते पढ़ते किसी भी टाइम पढ़ते पढ़ते चलो वैसे ही आ जाती है, पर काम करते करते वो सो जाता है बिल्कुल एकदम से, उसको पता भी नहीं लगता, दैट इज़ नार्कोलेप्सी। क्यों, क्योंकि उसमें ऑरेक्सिन का लेवल कम हो गया है। और ऑरेक्सिन कब सिक्रीट होता है, कब वो एक्टिवेट होता है, कब स्टिमुलेट करता है, जब वो इंसान वेकनेस, मतलब कि उसका वेकनेस में रोल प्ले करता है, और अगर ये ना हो तो वेकनेस नहीं होगी, दैट इज़ कि एकदम से हमें स्लीप के बाउट्स आएंगे, मतलब एकदम से बात करते करते वो इंसान सो जाएगा, दैट इज़ नोन एज नार्कोलेप्सी। ओके, और ये जिनको ये नार्कोलेप्सी होते हैं उनको क्या होता है कि सडनली लॉस ऑफ मसल टोन, मतलब मसल टोन में भी एकदम से लॉस हो जाता है, एंड दैट कंडीशन इज़ नोन एज कैटाप्लेक्सी। दैट कंडीशन वो पार्शियल भी हो सकती है कैटाप्लेक्सी। ठीक है, कैटाप्लेक्सी होता है जब हमारे जो मसल टोन है वो लॉस हो जाए। ठीक है, ऑरेक्सिन के कौन से केस में, नार्कोलेप्सी के केस में। ठीक है, अब वो जो है वो पार्शियल भी हो सकता है कि पार्शियल लॉस हुआ, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, दैट इज़ पैरालिसिस भी हो सकता है उस टाइम के लिए। ठीक है, तो दैट इज़ ऑरेक्सिन न्यूरॉन। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्लीप फिजियोलॉजी। इसमें हमने वेव्स के बारे में डिस्कस किया सब कुछ, REM NREM के बारे में। If you have any doubt related to this topic, you can ask. And if you like the video, please subscribe. Thank you.